नमस्कार एलरिगू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन फॉर 5 मिनट्स। कई गर्ल्स को ये कंफ्यूजन होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट्स यूज करे और कौन सा प्रोडक्ट्स ना यूज करे, क्योंकि आजकल सारे प्रोडक्ट्स में इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं कि जिनके सेंसिटिव स्किन होते हैं उनको बहुत ही मीन्स उनका स्किन बहुत खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। तो आज मैं आपके सामने ओरिफ्लेम का एक कॉम्बो दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए है या फिर ये ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आप यूज़ कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, कहीं गर्ल्स को ये भी होता है कि यूट्यूब में इतने सारे दिखा रहे हैं प्रोडक्ट्स, कौन सा यूज़ करे उसमें से कौन सा ना करे। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही सेफ है आपके लिए और बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मैं इसे 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है, तो इसलिए आज मैं आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ। और हाँ, जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ आपके सामने दिखाती हूँ वो मैं पहले यूज़ करती हूँ, अगर मुझे वो सूट करे तो ही मैं आपके सामने लाती हूँ ये। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे आप भी यूज़ करें। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रा रिफ्रेशिंग जेल वॉश है जो कि बहुत ही सेफ है हमारे स्किन के लिए और ये ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं किया है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही सेफ है और ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये जेली फॉर्म में आता है, आपके स्किन को कोई हर्ट नहीं देगा। ये ओरिफ्लेम के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज ये बहुत सेफ होते हैं हमारे स्किन के लिए। हाइड्रा रिफ्रेशिंग टोनर जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स है रिच हेजेंट एंड मेलो फ्लावर। रिच हेजेंट सूदिंग और एस्ट्रोजेंट का काम करता है जो आपके ओपन पोर्स को टाइटन बनाने में हेल्प करता है। मेलो फ्लावर आपके स्किन को इवन लुक देता है। मैं ये लैक्मे सन एक्सपर्ट यूज़ करूँगी, SPF 50 का है ये, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। ये है हाइड्रा मॉइस्चर बूस्टिंग सीरम, इसका टेक्सचर बहुत ही लाइटर है एज कम्पेयर टू डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। में इंग्रेडिएंट्स है क्लाउड बेरी एंड ब्लू बेरी जो कि वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन ई एंड सी है जो प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को फ्री रेडिकल्स से। ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड एंड रेडिएंट बनाए रखने में हेल्प है और ये ऑल एज ग्रुप्स के लिए है। ये है हाइड्रा रेडियंस हाइड्रेटिंग डे क्रीम, इसमें इंग्रेडिएंट्स है स्वीडिश नेचुरल ब्लेंड रेड एल्गे एंड ब्राउन एल्गे एंड अक्वा मिनरल्स विथ विटामिन सी। एल्गे जो होता है वो पावर हाउस होता है, इट रिमूव्स ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर स्किन। विटामिन सी हमारे सन डैमेज जो हुआ रहता है स्किन में उसको हील करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये ओरिफ्लेम का लिप बाम, ये हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और हमारे लिप्स के ब्रेकेजेस को भी हील करता है और ये आपके लिप्स को लाइटर बनाने में हेल्प करता है। और ये हमारा 5 मिनट्स डे टाइम स्किन केयर रूटीन ख़त्म हो चुका है। आपको दिखाऊंगी 5 मिनट्स नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का मेकअप रिमूवर। पहले हम सारा मेकअप रिमूव कर लेंगे कॉटन पैड की मदद से या फिर आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये ऑप्टिमल ओरिफ्लेम का फेस जेल यूज़ करूँगी टू क्लेंज माय फेस। देन मैं ये एक बनाना यूज़ करूँगी एज अ फेस पैक।
ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। फॉर नाइट टाइम 5 मिनट्स आप अप्लाई करें अपने फेस पे। देन मैं ये टोनर यूज़ करूँगी ऑप्टिमल सोरी फ्लेम का। ये हमारे स्किन में बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है बिकॉज इसका टेक्सचर बहुत लाइटर है। देन नेक्स्ट मैं ये फेस सीरम अप्लाई करूँगी ओरी फ्लेम का, जो मैंने आपको डे टाइम स्किन केयर रूटीन में दिखाया था। देन मैं ये ऑप्टिमल्स का ओरी फ्लेम का आई क्रीम यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमें हमारे सारे स्पॉट्स को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है हमारा नाइट क्रीम, हाइड्रा नरिशिंग नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नाइट क्रीम हमें बहुत देख के लेना चाहिए बिकॉज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ब्रिटिश नेचुरल रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे है और विटामिन ई कंटेन है। लास्ट में मैं ये लेविया का लिप बाम अप्लाई करूँगी। हाँ, मिराज का वीडियो, आई नो बहुत ज़्यादा हुआ, सॉरी। सो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करे। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हूँ, आप वहाँ पे चेकआउट करके वहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।